नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश को लेकर। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 3 दिन और जारी रहने की बात कही गई, यानी कि मौसम में जो है किसी तरह के बदलाव यानी कि बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ ठंड का गिरने के आसार हैं। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पिछले 36 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है। खासकर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सावधान रहने को कहा गया है। इस दौरान प्रदेश के अन्य इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश अररिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। इसका मुख्य कारण है प्रदेश में टर्फ लाइन गुजरने की बात कही जा रही है, जिससे कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। यही वो कारण है जिसके चलते प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भागों में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों को छोड़कर सभी भागों में 1 से 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य में अररिया जिले के फारबिसगंज और सुपौल जिले के बीरपुर में भारी बारिश हुई है। पूर्वानुमान के माने तो 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भागों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली और मेघ गर्जन के साथ साथ तेज़ हवा चलने के दौरान जो है हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की बात कही गई। इस दौरान निम्न से मध्यम बारिश होने की भी बात कही गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह भी कहा गया है कि एक पूर्वी पश्चिम टर्फ रेखा जो है उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए दक्षिण बंगाल तक जा रही है। इसके अतिरिक्त एक चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र भी झारखंड और इसके आसपास बना हुआ है। इस कारण से राज्य में इन दिनों बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में 3 दिन पहले मानसून आ गया है, लेकिन अभी बिहार में इसके आने के 12 दिनों का समय जो है वो लगने की बात कही गई है। ऐसे में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वी पश्चिमी टर्फ रेखा और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भागों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन और सतह पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसके साथ साथ राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं अगर हम बात अगले 48 घंटे की कर लें तो राज्य के पूर्वी भागों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन और सतह पर हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की बात कही गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन मौसमी कारकों के प्रभाव से राज्य भर में अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान जो रहा वो रोहतास का रहा। रोहतास के डेहरी में 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक तरह से कह लें कि प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश को लेकर अलर्ट है, तो प्रदेश के कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पे गर्मी को लेकर भी स्थिति दिखाई गई है। तो एक तरह से कह लें कि प्रदेश में दोनों तरह के मौसम बने हुए हैं। एक तरफ जहाँ गर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।